बिहार चुनाव 2020 को लेकर पूरी गहमा गहमी थी। जी हाँ, यूं देखा जाए तो तीन चरण में चुनाव मुकम्मल हो गया है, यानी कि 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को। अब लोगों को इंतज़ार है उस परिणाम का, जिसमें से उन लोगों के किस्मत का पिटारा खुलेगा जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, यानी कि 243 सीटों पर जो बिहार में चुनाव हुआ है। और अब सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं रिजल्ट को। अब देखना यह है कि जो पब्लिक है, जो सब जानती है, जिसने अपने इस उंगली से जीत का जो निशान दिया है, वो किसके किस्मत में सितारा बुलंद है। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, जिसे अभी हमारी बात हो रही थी, लोगों ने कहा कि आज कयामत की रात है उनके लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा है। आइए लेकिन जानते हैं इन लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का मतलब कि इन लोगों के दिल में क्या चल रहा है, कि कैसी सरकार होनी चाहिए और कौन जीत रहा है। बताइए कैसा लग रहा है अभी चुनाव? तो चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार से पूरा नीतीश जी के भगाओ अभियान पूरी जनता में है। अच्छा। उसमें कोई दुमत नहीं है। अच्छा। और 12 बजते बजते चुनाव के नतीजा तो आरजेडी का फाइनल हो जाएगा। मतलब क्या लग रहा है कि एकदम आरजेडी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं, चूंकि इनकी इतना बड़ा दलाली हो गया बिहार में कि हम लोग 3 GPS खरीदे, मेरा 3 गाड़ी है, 3 GPS खरीदे, और सारा GPS जब इनका बिक गया तो पूरा बिहार में GPS का कोई नाम ही खत्म हो गया। तो कितना बड़ा ही घोटाला में, कितना बड़ा GPS के खाली, ऐसे ऐसे 100 घोटाला है तो बिहार से तो ऑटोमेटिक बाहर कर दिया, उसमें कहना क्या है, स्पष्ट है। क्या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल है वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार जब 2015 था तो उसमें देखा गया था उस एग्जिट पोल उलट हो गया। हाँ, तो वो हो गया था, लेकिन इनका इनका उल्टा पलटा जो कार्य है ना, इनका व्यवहार विचार जनता समझ गया है कि खाली बोली से काम नहीं चलता है, काम से काम नहीं होता। क्या लग रहा है आपको, बताइए कैसा लग रहा है? कल का 12 घंटा रह गया है, अच्छे, क्या लगता है? अच्छे कार्य के लिए परिवर्तन होना जरूर चाहिए, अच्छे कार्य के लिए परिवर्तन होना। लेकिन नीतीश जी ने भी तो काम किया है, रोड बनी है, लाइट आ रही है, बहुत सारा चीज उन्होंने भी किया है, उससे भी बेहतर कार्य के लिए परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कौन होगा मुख्यमंत्री बिहार का? वो तो कल फैसला होगा, कल फैसला होगा। आपके दिल में क्या चल रहा है, कैसा फैसला? परिवर्तन की सरकार होनी चाहिए, परिवर्तन की सरकार होनी चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा भी हैं यहाँ पर, कैसी सरकार होनी चाहिए? और सबसे पहले तो सरकार तेजस्वी जी का होना ही चाहिए, बदलाव होना ही चाहिए। सबसे पहले हम तेजस्वी जी को आज जन्मदिन पर सारे जनता की ओर से, जहानाबाद नहीं पूरे देशवासी की ओर से बधाई देता हूँ। हमने प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो जनता चाह ही रहा है बदलाव के लिए। नीतीश कुमार से उब चुका है जनता, सृजन घोटाला से लेके, बलात्कार से लेके, कोई ऐसा चीज़ नहीं पूरे बिहार में रहने दिए, सुरक्षित नहीं कोई चीज़ रहा, चाहे आम आदमी हो या अभी देखिए लड़की कहीं जा रही होगी, उसको पीछे 4 लड़का है, उसको पकड़ने के लिए प्रशासन नहीं है, दारू बेचने वाला को पकड़ने के लिए प्रशासन नहीं है। नीतीश जी बोलते हैं मेरा बिहार में दारू बंद है, दारू तो होम डिलीवरी है, आप बोलिए अभी मंगवा देते हैं। तो ये सारे चीज़ से जनता उब गया है, अब बदलाव चाहिए, अब बदलाव में आरजेडी गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहा है। आज के जन्मदिन पर उनका बधाई के साथ साथ शुभकामना सरकार को भी दे रहा है। क्या लग रहा है आपको, आप भी वही हैं? हाँ हाँ, महागठबंधन, महागठबंधन, हाँ पूरी तरह पक्का, हाँ 2/3 बहुमत से, कहीं कोई कम कहीं कोई सोचने नहीं है, सोचना ही नहीं, सोचने नहीं है। चलिए, और युवा भी हमारे साथ है, आप बताइए किस तरह का सरकार, और अभी जो एग्जिट पोल आया है तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हम लोग युवा हैं और युवा की सरकार चाहते हैं, और क्या चाहिए? युवा की सरकार चाहते हैं, हाँ युवा की सरकार चाहते हैं, कोई दो राय की बात नहीं, और सरकार बनने भी जा रही है। हम लोग 200+ सीट से सरकार बनने जा रहे हैं महागठबंधन। अच्छा, चलिए आप बताइए किस तरह एग्जिट पोल जो आया है, क्या लगता है, क्या कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार के बारे में क्या, कल फैसला हो जाएगा, फिर भी कुछ अपना अंदेशा दिल से? नीतीश जी सरकार बने, नीतीश सरकार बने। और तेजस्वी के बारे में लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? अब सरकार बनने के बाद लाते हैं, नहीं लाते हैं परिवर्तन? अच्छा,
ना आपका दिल है कि नीतीश की सरकार बननी चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल में तो थोड़ा उनको कम दिखाया जा रहा है, क्या लगता है कि एग्जिट पोल कहीं सही हो गया तो? सही होगा तो सरकार तेजस्वी जी का बनेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन नीतीश जी जो है कुछ काम किए हैं, काम किए हैं यानी कि इस तरीके से लोगों में जो है, आप बताइए क्या होना चाहिए कल तक 12 घंटा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा पक्का? लेकिन कोई कोई तो दिखाया है, कम भी दिखाया है सीट एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो, दो सीट कम दिखाया है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा। हाँ। पूरा एकदम पूरा, यानी कि इस तरीके से लोग फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि सरकार पूरी बनेगी। और भी लोग, ये देखिए हमारे साथ ही, आप एग्जिट पोल से 12 घंटा रह गया रिजल्ट को, बताइए कैसा होना चाहिए? जनता को मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी राज्य, किसी भी देश में, किसी समाज में, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार का। तो तेजस्वी यादव जी इस बार मुद्दा लेकर आए हैं कि हम लोग रोजगार देंगे और सबको समान विकास होगा, कोई जातिवाद नहीं होगा, तो क्यों ना इस बार भरोसा करके दिखा जाए। लेकिन मैं तो समझता था कि नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, लेकिन इस बार जो रुझान आए हैं तेजस्वी यादव को लेकर, तो मैं पॉजिटिवली इसको ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो आएँ, स्वागत है उनका। मैं 15 साल इनको देख लिया और 5 साल इनको देखना चाहता हूं कि ये रोज़गार में क्या देते हैं और अपने मुद्दों पर किस तरह, अपने जो मैनिफेस्टो इनका, ये किस तरह अपने बयान पर कायम रखते हैं। नीतीश जी ने भी तो काम किया है, उन्होंने रोड बनाई, लाइट है जो आज बिहार में, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो गई है, सड़कें हैं, स्कूल सब जो मरम्मत सब लगा, बिल्कुल बिल्कुल विद्यालय बना है। आई एग्री विथ यू टोटली, बट देयर इज अ ड्रॉबैक, एक कमी है, बहुत सारा कमी है। ये कमी है कि लोगों में उस तरह का संतुष्टि भाव नहीं दिख रहा है जिस तरह की संतुष्टि होनी चाहिए। जैसे कि बालिका गृह हत्याकांड जो हुआ, उस तरह कुछ मामले हो गए, और जो अभी मुंगेर में जो घटना हो गई, इसको लेकर भी जनता में आक्रोश है कि मुंगेर में ऐसी घटना क्यों घटी। ये पूरे विश्व के कोने कोने तक ये न्यूज़ फैला है कि मुंगेर में जो घटना होगी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए ये नीतीश जी को थोड़ा सा इसके आक्रोश का सामना झेलना पड़ा और इस कारण भी उनको नुकसान हुआ। और इसमें है कि जातिवाद बिहार में बहुत है, जातिवाद को पीछे छोड़कर तेजस्वी यादव जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, ये तेजस्वी यादव जी जातिवाद को छोड़कर यदि सबका समान विकास करें और युवाओं का रोजगार दें जो अपने उनका मैनिफेस्टो है, तो मुझे लगता है कि वो अगले 15 साल तक वो तेजस्वी राजद बिल्कुल रुक सकता है। क्या लगता है कि आपने एग्जिट पोल को ही ओरिजिनल वोट मान लिया है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा तो ये मतलब है कि रुझान जो होता है वो हमेशा गलत भी होता है, कभी सही होता है, लेकिन मैं डेवलपमेंट का सहायक हूँ, किसी पार्टी का नहीं। डेवलपमेंट में जो भी आए, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, डजंट मैटर, बट डेवलपमेंट को लेकर जो काम करेगा एट एनी कॉस्ट, डेवलपमेंट फर्स्ट, डेवलपमेंट फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, उसको मेरा मत है। यानी कि इस तरीके से लोगों का रुझान है, अब तो सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे बच गए हैं और कल जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से जहानाबाद में काउंटिंग का जो समय दिया गया है वो है, और तकरीबन लगभग 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उन नेताओं के लिए जिन लोगों की किस्मत अभी ईवीएम में बंद है, उनकी आज रात कयामत की रात होगी। साहिल के साथ मुशर्रफ पालवी।